आपके सामने। बी थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं और जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कम्युनिकेशन में बात करेंगे कि जब एक अच्छा कम्युनिकेशन होने वाला होता है तो एक अच्छे कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फिल्टरिंग। फिल्टर का मतलब होता है चीज़ों को फेरबदल करके देना, यानी चीज़ों में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करना, उल्टा करना और जो सही सुनने में लग रहा है अच्छा था उसको बताना। ठीक, तो जब हम ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं जो उतनी अर्थपूर्ण नहीं होती, केवल वे अर्थपूर्ण दिखाई देती हैं। ठीक, देखने में लगती है कि काफ़ी अर्थपूर्ण है पर ऐसा होता नहीं है। तो एक तरीके से हम सूचना में अपनी इच्छानुसार बदलाव कर रहे हैं। ठीक, फिल्टर कर रहे हैं, तो फिल्टर कर रहे हैं तो ऐसी सूचनाएँ जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है चयनात्मक प्रतिक्रिया। चयनात्मक का मतलब होता है कि चीज़ों को हमने अपने अनुसार चुना है, जो चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में हम बताना चाहते हैं या जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं केवल उनके बारे में ही बात की जाएगी। ठीक, तो एक तरीके से हम पहले से ये चीज़ चुन लेते हैं कि केवल इतनी ही जो सूचना है उसका आदान प्रदान करना है, इससे अधिक नहीं, तो उससे भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिभार। तो सूचना का अधिभार की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है देने को, यानी क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में भी ऐसा होता है कि सारी सूचनाएँ सामने वाले तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक, कुछ सूचनाएँ रह जाती हैं। ठीक, तो जब सूचनाएँ ज़्यादा होती हैं तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संवेग। तो इमोशन होते हैं, जैसे अगर पर्सन अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है तो ये तो मतलब ठीक है कि पर्सन जो है कि अच्छा कम्युनिकेशन बना सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति इमोशंस में अपने बिहेवियर को एक तरीके से सही गाइडेंस नहीं दे पाता, ठीक, और चीज़ों में सही जो डायरेक्शन है वो नहीं ले पाता, गलत डिसीजन ले लेता है, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो सूचना है वो अच्छे ढंग से या पूर्ण रूप से नहीं पहुँच सकती, क्योंकि व्यक्ति उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, इमोशनल होने की वजह से उसका जो रीजनिंग लेवल है उतने अच्छे से थिंकिंग नहीं कर पाता है। ठीक, और जब वो थिंकिंग क्योंकि सही तरीके से कर नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो इमोशनल कंडीशन की वजह से वो सारी सूचनाओं के प्रति सही रूप में निर्णय भी नहीं ले पाता। नेक्स्ट है भाषा। तो आप जानते हैं हर स्टेट में हर मतलब शहर की लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, क्योंकि भाषा अलग होती है तो हम लोग किसी भी एक चीज़ को अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक, तो भाषा का ही जो रीज़न है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर चीज़ों को अपने अपने रूप में समझने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति की भाषा के जो शब्द हैं वो अलग होते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी जो कम्युनिकेशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, सामने वाले को भाषा आती नहीं है तो उसको वो चीज़ें उसको जैसे मिलते जुलते, जैसे मान लीजिए उसकी जो भाषा से मिलता जुलता शब्द होगा वो तो सही से समझ जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल अपोजिट होगा वो कहीं ना कहीं उसको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो जब भाषाएं बहुत अलग होती हैं तो भी सही तरीके से जो अर्थ है वो उसे समझ में नहीं आते। लास्ट पॉइंट है संप्रेषण अक्षमता। तो अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को लगना है कि कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है या बातचीत होने की या विचारों का आदान प्रदान करने की ज़रूरत है, लेकिन कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो इस सूरत में भी सूचनाएँ पूरी पहुँच नहीं पाती हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। अगला है अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, यानी कि जब दो संस्कृतियों में संप्रेषण होता है तो क्या क्या बाधाएँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक, क्योंकि संस्कृति है तो भाषा अलग होगी, ठीक, बोलने का तरीका अलग होगा और उनके विचारों के आदान प्रदान करने का तरीका अलग होगा, ठीक, शब्दों के मायने अलग होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक, तो इसमें सांस्कृतिक अवरोध की अगर हम बात करें कि कौन कौन से अवरोध बीच में देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है लाभार्थों के कारण उत्पन्न अवरोध,
यानी कि जो लाभार्थी हैं, जो मतलब वो फायदा लेना चाहते हैं कम्युनिकेशन का, तो वो एक तरीके से वो तो लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि संस्कृतियां बदलने की वजह से संस्कृतियों में। तो अगला हमारा है टोन भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए। आप तो जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टेट के अकॉर्डिंग टोन बहुत अलग अलग होती है लोगों की। जैसे कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में बात करते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा धीमे स्वर में बात करते हैं। तो आप तो जानते हैं स्वर का कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। जब टोन बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो बात अगर सही भी कही जा रही हो तो व्यक्ति को ऐसा लगता है ऐसे ही लड़ रहा है, और अगर टोन बहुत धीमी होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये डरते हैं। तो टोन का बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि संस्कृतियों के अकॉर्डिंग सभी की टोन अलग अलग होती है। जैसे आपने यूपी वालों की देखी होगी, यूपी वाले बोलते भी मतलब उनका जो आवाज है वो भी वॉइस बहुत तेज होती है, और टोन में भी जो वो होता है ना कड़कपन, वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक, इसके आगे है प्रत्यक्षीकरण भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए। तो जब हम चीजों को देखते हैं, देखने के आधार पर समझने में प्रत्यक्षीकरण का बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। लास्ट है अर्थों के आधार पर। आप तो जानते हैं हर स्टेट में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अर्थ बदलाव की वजह से जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। थैंक यू।